फसी, आप अपने भाइयों से अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगते? तबस्सुम, तुम घुमा फिरा कर बात वहीं क्यों ले आती हो? नहीं करना चाहता मैं इस टॉपिक पर बात। हाय तबस्सुम, जी, एक बात कहूं? कहिए। आज सब लोग इकट्ठे बैठे थे ना, देखकर बड़ा अच्छा लगा। कितने अरसे से मैं ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि आज जो हमेशा से मैं घर में माहौल देखना चाहता था, वो अचानक से कैसे हो गया? शायद जो राबिया के सर आते हैं उनकी वजह से हुआ। हाँ, शायद उस लड़के को समझने में मैंने गलती की। तुमने देखा था, वो किसी की तरफ आंख उठा कर नहीं देखता। फसी, आपके समझ नहीं आती हैं। कभी आप उसको कसूरवार ठहराते हैं, कभी आपको शर्मिंदगी होती है उसको मारे हुए थप्पड़ पर। आप चाहते क्या हैं? पता नहीं मुझे, मगर मुझे अपनी सोच और खदशात से ज्यादा नूर पर एतमाद है। नूर को बस यही फिक्र थी कि राबिया की पढ़ाई का हर्ज ना हो। राबिया भी नूर के लिए बिल्कुल ऐसा ही सोचती है, मगर आपको नूर पे ज्यादा एतमाद है। बहरहाल, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। वो अच्छा, वो मैं भूल गई थी बताना, राबिया की दोस्त है ना मेविश, उसकी कल मंगनी है तो वो वहाँ जाना है। थोड़े से पैसे दे दीजिएगा। ठीक है, सुबह दे दूंगा। और ज्वेलर का भी फोन आ गया है एडवांस। ठीक है, सुबह देता हूँ। फसी, आप अपने भाइयों से अपना हिस्सा क्यों नहीं मांगते? तबस्सुम, तुम घुमा फिरा कर बात वहीं क्यों ले आती हो? नहीं करना चाहता मैं इस टॉपिक पर बात। ठीक है, मैं वैसे ही मैं